हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में हम थोड़ा मार्च था तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम थे, फिर हम बीमार हो चुके थे, तो ऐसे ऐसे करके मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो बना रही हूँ, तो स्पेशली मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिखाती हूँ, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा ये क्या है। ये है लिंगड़ की सब्ज़ी जो कि पानी में लगती है, और आज हम ये बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको काट रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। गाइस, ये है लिंगड़ की सब्ज़ी जो कि मैं अभी काट रही हूँ। ये है, ये मैंने बहुत सारी इसमें पड़ी है, तो मैंने इसको कट करना है अभी। और ये हम लेकर आए थे नदी से तोड़ करके। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होती है। कहीं कहीं जगहों पर ये बहुत मोटी भी होती है, बिकॉज अभी ये नरम है। ये देखिए, और आप यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको काट लेती हूँ। तो ये देखिए, ये लिंगड़ जो मैंने काट के रखे थे, अब हम इसको बॉईल करेंगे पानी में। ये मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया है, तो हम इसको इसमें पानी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है तो इससे चली जाएगी, और थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन भी होता है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं लिंगड़ की सब्ज़ी, इसको करते हैं बॉयल। तो ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालते हैं लिंगड़ की सब्ज़ी। मेरे पास स्टैंड नहीं है गाइस, तो इग्नोर करना, मैं हाथ से कर रही हूँ। थोड़ा इसकी, क्योंकि ये पानी में लगते हैं ना तो थोड़ा स्मेल आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए 5-10 मिनट हम इसमें गर्म पानी में डिप करके रखेंगे। और ये गर्मियों में ही मिलती हैं और ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है इसलिए। तो ये हमने यहाँ पे प्याज काट लिए है, और ये हमने यहाँ पर लहसुन भी कट कर दिए हैं। तो अब हम इसमें लगा रहे हैं तड़का, और ये देखिए ये यहाँ पर लिंगड़ हो चुके हैं सॉफ्ट। तो अब हमने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले अभी थोड़ा ऑयल गर्म होने दीजिए, इसमें हम डालते हैं फिर धनिया और ज़ीरा। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और हम डालते हैं इसमें धनिया और ज़ीरा। और ये हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं लहसुन, बहुत गर्म है ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, मुझे डर भी लग रहा है कि ऑयल उतरना गिर जाए। तो ये देखिए, हम इसमें डाल दिया प्याज, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी लिंगड़ की। तो अभी इसे हम ब्राउन होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे टमाटर। हमने इसमें डाल दिए टमाटर, और हम इसमें डाल लेंगे मसाले। ये डाल दिया हमने हल्दी, और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। हम इसमें डालते हैं गरम मसाला, हमने डाल दिया है गरम मसाला, अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ये साबुत जो ये लहसुन होता है उसकी कली को वो करके छील के, और इसमें पीस करके अब हम इसमें ये डाल लेंगे, जिससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अब हम ये इसमें डाल देंगे, क्योंकि इससे थोड़ी सी इसकी खुशबू आ जाएगी, और मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें वाटर नहीं डालना है, क्योंकि ये सूखी सब्जी बनती है। ये देखिए, अब हम इसमें डालते हैं आलू और ये लिंगड़ की सब्जी। आपने क्या करना है, जब आप इसको पानी से निकाल लोगे तो आपने बिल्कुल इसका जो पानी होता है वो एकदम से सुखा देना है, क्योंकि एकदम सूखी सब्जी बनती है। अब हम इसको मिक्स
कर दूँ मसाले में। सब अच्छे तरह से आप इसको मिक्स कर दें जिससे जो मसाला है सारा इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अभी हम थोड़ा जब आलू पक जाएंगे तब देखते हैं, अभी हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए लिंगड़ की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है और ये है लस्सी का गिलास और अब हम खाना करते हैं स्टार्ट।